दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक साउथ कोरियन मूवी को जो कि 2016 की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। इस मूवी का नाम है मिसबिहेवियर। मूवी में हम जानेंगे दो टीचर्स और एक स्टूडेंट के बीच चल रहे एक लव अफेयर की कहानी को, जिसमें प्यार में मिले धोखे का अंजाम बहुत खतरनाक होता है। तो चलते हैं मूवी के फर्स्ट सीन की तरफ। जिसमें एक बॉय स्कूल की टीचर और इस मूवी के मेन कैरेक्टर पार्क हियो जो एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स को केमिकल एलिमेंट्स के नाम पढ़ा रही होती है, मगर तभी उसे पता चलता है कि उसकी एक फ्रेंड नायुन जो कि इसी स्कूल में केमिस्ट्री सब्जेक्ट की टीचर थी और प्रेग्नेंट होते हुए भी स्कूल आई थी। इसलिए अचानक उसे स्कूल में लेबर पेन होने लगता है और उसकी हालत दर्द के मारे बहुत खराब हो रही होती है। इसके बाद उस टीचर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां वो एक बच्चे को जन्म देती है। अगले सीन में इस हाई स्कूल का प्रिंसिपल इमरजेंसी मीटिंग रखकर स्कूल के सभी टेम्पररी लेडी टीचर्स से स्कूल की पॉलिसी में हुए चेंजेस के बारे में डिस्कस करता है। इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि जब तक कोई टेम्पररी टीचर स्कूल में पढ़ा रही है तब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर किसी ने इस एग्रीमेंट को तोड़ा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसे पढ़ के ह्यूजो को ना चाहते हुए भी इस अजीब से एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ता है। अगले सीन में जब ह्यूजो अपने केबिन में बैठी होती है तो वहाँ प्रिंसिपल आकर उससे कह है कि इस साल बहुत कम टीचर्स को ही परमानेंट किया जाएगा। तुम्हें तो पता ही होगा कि होम रूम टीचर नायुन स्कूल आने की हालत में बिल्कुल नहीं है, क्या तुम उनकी जगह लेकर कुछ दिन क्लास को संभाल सकती हो? ह्यूजो को अपना काम भी संभालना था इसलिए वो ये काम नहीं करना चाहती थी, मगर उसके मना करने पर प्रिंसिपल उसे कहता है कि अगर तुम अपनी जॉब में पक्की होना चाहती हो तो तुम्हें होम रूम टीचर की क्लास को पढ़ाना ही पड़ेगा। ह्यूजो इस बात से बहुत नाखुश थी, मगर प्रिंसिपल की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। दोस्तों शायद आपको ये नहीं पता होगा कि साउथ कोरिया के स्कूल्स में स्टूडेंट्स की नाइट क्लासेस भी चलती है। तो जब नाइट क्लासेस के लिए ह्यूजो उस क्लासरूम के स्टूडेंट्स के अटेंडेंस लेती है तो उसे पता चलता है कि शिनजे हा नाम के स्टूडेंट की सीट खाली थी। बाकी स्टूडेंट्स उसे बताते हैं कि जरूर शिन जिम में अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद ह्यूजो जिम रूम में जाकर चेक करती है तो वहाँ शिन डांस प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल शिन को कोरिया के मशहूर डांस फॉर्म बैलेट का बहुत शौक होता है, मगर उसके पास डांस अकेडमी की फीस देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो स्कूल के जिम रूम में रहकर प्रैक्टिस किया करता है। ह्यूजो कुछ देर शिन को डांस करते देखती है और उसको स्कूल के बजाय किसी अच्छी डांस अकेडमी को ज्वाइन करने की सलाह देती है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ह्यूजो जब थकी हालत में अपने घर पहुँचती है तो वहाँ उसके कमरे में उसका बॉयफ्रेंड सांग लेटे लेटे आराम से टीवी देख रहा होता है। दोस्तों ह्यूजो इस लड़के सांग के साथ काफी टाइम से लिव इन रिलेशन में रह रही थी। ह्यूजो का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मुझे बहुत भूख लग रही है। दोस्तों ह्यूजो का बॉयफ्रेंड किसी काम का नहीं है, वो बस एक नोवेल लिखने का बहाना करके घर पर आराम से पड़ा रहता है और किसी काम में उसकी मदद नहीं करता है। ह्यूजो को स्कूल जाना, घर आकर खाना बनाना, कपड़े धोना और घर की सफाई से लेकर सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ऊपर से उसका आलसी बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि सारा काम तुम अकेले ही करते हो? फिर ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हें संभालनी ही चाहिए। दोस्तों क्या आपको भी अपने पार्टनर के बारे में ऐसा ही लगता है? मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। रात को सांग अपनी नोबल में आगे लिखने की कोशिश करता है मगर उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वो बेड पे जाकर ह्यूजो के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मगर ह्यूजो इंटरेस्टेड नहीं थी और उसे मना कर देती है। अगले दिन ह्यूजो काम पे जाती है तो स्कूल में एक नई टीचर को इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि केमिस्ट्री मेजर से ही थी। इस टीचर का नाम है चूहे यंग। दोस्तों हैरानी की बात तो ये होती है कि ज्वाइनिंग के दिन ही इसे परमानेंट टीचर की पोजीशन दे दी जाती है, जबकि ये मौका ह्यूजो को मिलने वाला था। दरअसल ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यंग स्कूल के चेयरमैन की बेटी थी। इस बात से ह्यूजो को बहुत बुरा लगता है। इसके थोड़ी देर बाद जब ह्यूजो कॉरिडोर से जा रही होती है तो यंग उससे बात करके उसे बताती है कि क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना, हम दोनों एक ही कॉलेज में थे और तुम मेरी सीनियर थी। मगर ह्यूजो को इस बारे में कुछ याद नहीं। इतने में स्कूल के चेयरमैन यानी यंग के डैड वहाँ से जा रहे होते हैं तो यंग उन्हें ह्यूजो के बारे में बताती है। उसके डैड ह्यूजो को कहते हैं कि मेरी बेटी यंग अभी छोटी है इसलिए तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। रात में स्कूल के सभी टीचर्स को ग्रुप डिनर को ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है। ह्यूजो भी वहाँ थी
मगर वो बोर हो रही थी क्योंकि सारे परमानेंट टीचर सिर्फ यंग की ही तारीफ करने में लगे थे और उसी की बात कर रहे थे। दरअसल सभी उससे दोस्ती करके चेयरमैन की नजरों में अच्छा बनना चाहते थे, बाकी मौजूद फीमेल टीचर्स को अच्छा नहीं लग रहा था और ह्यू जो उठकर वहाँ से जाने लगती है। मगर प्रिंसिपल उसे कहता है कि तुम्हें यंग के साथ बैठकर कुछ बात करनी चाहिए थी, तुम इतने समय के बाद उससे मिली हो। ह्यूजू जवाब में कहती है कि मैं तो उसे जानती तक नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। स्कूल में जाकर ह्यूजू जिम रूम में शिन को देखती है जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो वही लेटा हुआ था। ह्यूजू उसके पास बैठी होती है मगर तभी शिन की आँख खुलती है और वो ह्यूजू को किस कर देता है। बहुत रात हो चुकी थी इसलिए ह्यूजू उसे अपनी कार से उसके घर ड्रॉप कर देती है। शिन के डैड ह्यूजू को थैंक यू कहकर शिन को अंदर ले जाते हैं। अगले दिन ह्यूजू शिन का बायोडाटा चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं थी। ह्यूजू शिन को अपने केबिन में बुलाकर उसे पिछली रात को हुई किस के बारे में पूछती है, मगर शिन उसे कहता है कि मेरे पास सफाई में कहने को कुछ नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम कर सकती हो। उतने में ही यंग वहाँ आकर उसे कहती है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, मगर ह्यूजू उसे वहाँ से जाने को कहती है। अगले सीन में ह्यूजू क्लास ले रही होती है तो उसकी नज़र नीचे खड़े उसके बॉयफ्रेंड पे पड़ती है। ह्यूजू उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, सांग उसके साथ लंच करना चाहता था मगर ह्यूजू उसे मना करके पैसे दे देती है। रात को जब ह्यूजू घर जाने वाली होती है तो उसे यंग का कॉल आता है जिसमे वो उसे डिनर पे बुलाती है। चेयरमैन भी डिनर में होने वाले थे इसलिए ना चाहते हुए ह्यूजू को जाना पड़ा, पर जब वो डिनर के लिए वहाँ पहुँचती है तो वहाँ सिर्फ यंग और उसका फियांसे ही था। यंग ह्यूजू से कहती है कि मुझे स्कूल में किसी के साथ की जरूरत है, अगर मैं अचानक तुम्हें कहती तो शायद तुम्हें अजीब लगता, इसलिए मैंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया। जाने से पहले यंग का फियांसे ह्यूजू को एक गिफ्ट बैग भी देता है और उसके बदले उससे यंग का ख्याल रखने को कहता है। ह्यूजू को उसके साथ हो रहा यह बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो यंग के फियांसे के दिए गिफ्ट को उसके जाते ही फेंक देती है और उसे गुस्से से कहती है कि तुम मुझे नीचा दिखाकर क्या साबित करना चाहती हो, मुझे तुमसे ये सब गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मैं तुम्हें नहीं जानती, और उसे सुनाकर वहाँ से घर चली जाती है। जहाँ संग अपना सामान पैक कर रहा होता है वो उसे बताता है कि मेरा एक फ्रेंड फ्रांस में रहता है, तुम्हें मेरे होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसी के साथ रहूंगा, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ सीरियस हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम बात ना करें। इस पर ह्यूजू को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अगले सीन में ह्यूजू स्कूल में कुछ लड़कों को यंग की स्कर्ट की फोटो लेते हुए देख लेती है और उससे उसका फोन ले लेती है। जब वो उस लड़के को डांट कर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रही होती है तो वो लड़का उसे कहता है कि इससे पहले भी तो लड़कों ने उसकी फोटोज फेसबुक पे अपलोड की है, उन्हें तो कोई पनिशमेंट नहीं दी गई, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, और उसे टेम्पररी टीचर कहकर उसकी इंसल्ट करता है। लंच टाइम में ह्यूजू बाकी टीचर्स के सामने यंग को कहती है कि तुम्हें एक टीचर की तरह ड्रेस करना चाहिए, क्या तुम्हें चलते वक्त नजर नहीं आता कि कोई तुम्हारी फोटोज क्लिक कर रहा है, एक टीचर को इतना केयरलेस नहीं रहना चाहिए। यंग उसे सॉरी कहकर लंच के बाद उस लड़के को उसका फोन वापस कर देती है और वो मुस्कुराते हुए ह्यूजू के सामने से चला जाता है। रात को ह्यूजू शिन को डांस प्रैक्टिस करते देखने जिम में जाती है, मगर वहाँ जो वो देखती है उसे देखकर वो हैरान रह जाती है। दरअसल वो वहाँ शिन और यंग को स्पोर्ट्स रूम में इंटीमेट होते देख लेती है। अगले दिन स्कूल में होने वाली इमरजेंसी मीटिंग में पास ही के स्कूल में एक स्टूडेंट और टीचर के अफेयर की खबर के बारे में उन्हें बताया जाता है। एजुकेशन बोर्ड इस मामले में बहुत सीरियस था, हमारे स्कूल एक बॉयज स्कूल है इसलिए हमें इन सब बातों से सावधान रहना है, वरना स्कूल की बहुत बदनामी होगी। ह्यूजू मीटिंग खत्म होने के बाद यंग से कल रात देखे नजारे की बात करती है, जहाँ यंग बहुत डरी हुई थी और वो ह्यूजू से रिक्वेस्ट करती है ताकि वो कल रात के बारे में किसी को कुछ ना कहे, उसकी फियांसे को भी इस अफेयर के बारे में कुछ नहीं पता था। ह्यूजू उसे कहती है कि अगर तुम मुझे फिर शिन के पास दिखाई दी तो मुझे सबको सच बताना ही पड़ेगा, ये तुम्हारी आखिरी गलती है जिसे मैं माफ कर रही हूँ। कुछ देर बाद ह्यूजू जिम जाकर शिन को कहती है कि अब से तुम यहाँ अपने डांस प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसे पता कि तुम यहाँ सिर्फ प्रैक्टिस ही करते हो या कुछ और भी। शिन के पास कोई जवाब नहीं होता और उसे उसकी बात माननी पड़ती है। शिन जब वहाँ से जाने लगता है तो ह्यूजू उसे ड्रॉप करने की बात कहकर उसे अपनी कार से सीधा एक डांस एकेडमी में ले जाती है।
शिन को डांस अकेडमी जाकर बहुत अच्छा लगता है। जब वो प्रैक्टिस कर रहा होता है तो ह्यूजो को उसके फोन में यंग की बहुत सारी मिस कॉल दिखती है और वो गुस्से में शिन का फोन बालकनी से बाहर फेंक कर तोड़ देती है। एकेडमी में वापस आते टाइम शिन को समझ नहीं आता कि आखिर उसका फोन बैग में से कहां गायब हो गया। दो दिन बाद ह्यूजो शिन को केबिन में बुलाकर उसे एक डांस कम्पिटिशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहती है। यंग को भी ह्यूजो का बढ़ता हुआ लगाव साफ नजर आ रहा था। एक दिन जब स्कूल की टीचर शिन की बात कर रहे होते हैं तो ह्यूजो कहती है कि एज ए होम रूम टीचर मैं सभी बच्चों को सफल होते देखना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि शिन जरूर एक बेहतरीन डांसर बनकर दिखाएगा। यंग उसकी बातों को ध्यान से सुनती है मगर कुछ नहीं कहती है। वहीं दूसरी तरफ रात को यंग का फियांसे उसे बताता है कि ह्यूजो ने शाम को मुझे डिनर पे बुलाया है। उसने कहा कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट उसे पसंद आया और उसने मुझे थैंक्स करने के लिए डिनर पे इन्वाइट किया है। यंग को डर था कि कहीं ह्यूजो उसे सब कुछ बता ना दे, इसलिए वो अपने फियांसे से कहती है कि उससे कोई बात मत करो। रात में यंग बारिश में भीगती हुई ह्यूजो के घर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज किसी को उस बारे में कुछ भी मत बताना। अगले कुछ दिन तक ऐसे ही ह्यूजो अपनी कार से शिन को एकेडमी तक ड्रॉप करके वहाँ से लेने भी जाती थी। शिन भी खुश दिख रहा था। वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ डांस कंपटीशन में चल सकती हो, मुझे वहाँ तुम्हारे साथ जाना है। ये कहकर शिन अपनी कलाई पे पहनी घड़ी ह्यू को पहनाता है और उसे कहता है कि तुम शाम होने तक इसे पहने रख सकती हो। और ह्यूजो शाम को उसके साथ सोप ओपेरा देखने जाती है। रात को जब जो शिन को घर पे ड्रॉप करने लगती है तो वो उसे कहता है कि आज मेरे घर पे डेट के साथ कोई और औरत भी होगी, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता। इसके बाद ह्यूजो अपने साथ उसे अपने घर ले जाती है। वो उसे सोने के लिए कहती है और तभी दरवाजे पे उसका बॉयफ्रेंड सांग आ जाता है। ह्यूजो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें अपनी मोम के घर जाना चाहिए। सांग उसे कहता है कि मुझसे तुम्हारे बिना नहीं रह जाता, तुम्हारे हाथों से बना खाना ही मुझे पसंद है और मुझे कपड़े चुनने में भी तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मगर इसी बीच उसकी नज़र पीछे खड़े शिन पे पड़ती है। उसे ये देखकर लगता है कि ह्यूजो का अफेयर एक स्टूडेंट से चल रहा है। ह्यूजो भी उसे कोई जवाब नहीं देती है और सांग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उस रात को ह्यूजो को नींद नहीं आनी थी और वो पानी पीने के लिए हॉल में जाती है, जहाँ वो शिन को सोफे पे सोता देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और उसके करीब आ जाती है। शिन भी खुद को नहीं रोक पाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद एक दूसरे को अच्छे से प्यार करते हैं। ये सिलसिला यही नहीं रुकता है और इसके आगे कुछ दिन दोनों स्कूल के पार्किंग में भी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। जब ह्यूजो शिन को घर ड्रॉप करके वहाँ से जाती है तो इस बात से अनजान शिन के डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारी टीचर की वजह से तुम अपने डांस के सपने को आगे बढ़ा पाए हो। मगर शिन जवाब में कहता है कि उसके पास भी एक रीजन है। फाइनली समय था शिन के डांस कंपटीशन का, जहाँ ह्यूजो उसे चीयर अप करने आती है। जब वो अपने फोन से उसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड कर रही होती है तभी उसकी नजर आगे बैठी यंग के ऊपर पड़ती है। डांस कंपटीशन खत्म होने के बाद वो शिन को सब जगह ढूंढती है मगर वो उसे कहीं नहीं दिखता, क्योंकि शिन तो पार्किंग में यंग से बात कर रहा था। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से यंग पूरी तरह शिन को इग्नोर कर रही थी। वो दोनों बात करते हैं और हमें पता चलता है कि शिन ह्यूजो से प्यार नहीं करता और ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ यंग के कहने पे ही किया था। मगर यंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और अब हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस और तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा दे दूंगी। इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलकर रोने लगती है मगर शिन उसे हग कर लेता है। वहाँ ह्यूजो को शिन की चिंता हो रही होती है, इसलिए वो उसके घर के पास ही अपनी कार में उसका इंतजार करती है। शिन घर वापस तो आता है मगर वो अकेला नहीं था, बल्कि उसे यंग खुद अपनी कार से ड्रॉप करती है और वो दोनों किस करते हैं। ह्यूजो को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके बाद से शिन स्कूल में भी ह्यूजो को इग्नोर कर रहा था और अब उसको स्कूल आने का बिल्कुल मन नहीं करता। डांस कंपटीशन में मिले सर्टिफिकेट से उसे स्कूल में जगह मिल ही जाएगी, ये सोचकर वो स्कूल से छुटकारा चाहता था। ह्यूजो उससे अकेले में बात करती है तो शिन उसे कहता है कि मैंने तुमसे प्यार कभी किया ही नहीं, हम तो बस एक दूसरे को अच्छा महसूस करा रहे थे। हर स्टूडेंट को अपने टीचर की बात माननी चाहिए और मैंने तो बस वैसा ही किया जैसा तुमने मुझे कहा। हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मेरे डैड किसी और औरत को घर ला रहे हैं और उसके साथ रात बिता रहे हैं। ये सब जानने के बाद ह्यूजो को कुछ समझ नहीं आता और वो रो पड़ती है। शिन उससे कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, अगर किसी का इस्तेमाल किया गया तो वो तुम नहीं बल्कि मैं हूँ। ह्यूजो को यह सब सुन के बहुत बुरा लगता है और वो यंग से बात करके उसे पूछती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम शिन से ब्रेकअप कर लोगे,
होगी, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? यंग उसे कहती है कि मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए शिन से ऐसा करने को कहा और मैंने अपने अफेयर के बारे में डैड को पहले ही बता दिया था। अगर तुम फिर से उन्हें बताना चाहो तो तुम्हारी बात उनसे करवा देती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत लंबे समय तक टीचिंग प्रोफेशन में नहीं रहना। ये सुनकर ह्यूजो की बोलती बंद हो जाती है। अगले दिन ह्यूजो की दोस्त नायुन जो मेटरनल लीव पे थी वो छुट्टी से वापस काम करने आ जाती है और प्रिंसिपल ह्यूजो को स्कूल से निकाल देता है। इस सब के पीछे यंग का ये हाथ था, उसी ने अपने डैड की हेल्प से उसे फायर करवाया था। ह्यूजो के पास अब कुछ भी करने को नहीं था, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। वो यंग के पास जाकर उसे माफी मांगती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने डैड से कहकर उसे उसकी जॉब वापस दिलवा दे। यंग उससे कहती है कि सब स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? पहले तुम्हें मुझसे इतनी बुरी तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए था। क्या मैं तुम्हें सिस्टर के घर बुला सकती हूँ? ह्यूजो कहती है हाँ बिल्कुल। इसके बाद यंग उसे हग करके कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें वापस स्कूल में रख लिया जाए। मगर ये सब क्लासरूम में मौजूद स्टूडेंट्स देख लेते हैं, जिन्हें देखते ही ह्यूजो को समझ आ जाता है कि उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी थी। इसके बाद वो दोनों यंग के घर पे जाते हैं। ह्यूजो उसके लिए चाय बनाने लगती है। इतने में यंग उससे पूछते हैं क्या तुम सचमुच में अपने स्टूडेंट शिन से प्यार करने लगी थी? ऐसा कैसे हो सकता है एक स्टूडेंट और टीचर, क्या तुम्हें ये सोचकर बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वो ह्यूजो का मजाक उड़ा रही होती है और उस पे हंसती भी है। ह्यूजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब उसकी नजर चाय की केतली पे पड़ती है वो गर्मा गर्म उबली चाय को गैस से उठाकर सीधा यंग के फेस पे पूरी तरह पलट देती है। अब ह्यूजो उसके फोन से शिन को मैसेज करती है। शिन उसके मैसेज को पढ़कर उसके घर आ जाता है, मगर वहाँ शिन के लिए ह्यूजो दरवाजा खोलती है। शिन कंफ्यूज होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ह्यूजो उससे कहती है कि यंग और मैं कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। शिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें भी बता चुका हूँ कि मैंने वो सब यंग के कहने पे किया था, गलती तुम्हारी थी। अगर तुम उस दिन जिम में नहीं आती तो अभी हम दोनों खुशी खुशी डेट कर रहे होते। इसके बाद वो ह्यूजो के साथ सेक्स करने लगता है। अगले सीन में जब शिन नहाने के लिए बाथरूम जाता है तो वहाँ उसकी नज़र यंग की जली हुई डेड बॉडी पे पड़ती है, जिसे देखकर शिन की होश उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। मूवी के लास्ट सीन में ह्यूजो को अरेस्ट करने पुलिस स्कूल में आ चुकी थी, मगर ह्यूजो एक साइको किलर की तरह अपने केबिन में बैठकर मजे से सैंडविच खा रही थी। उसकी जॉब भी गई और उसने जिससे प्यार किया अब वो भी उसके साथ नहीं था। ह्यूजो की लाइफ अब मीनिंगलेस हो चुकी है और यहीं पे ये मूवी एंड होती है।